Make a statement. I'm saying that he was happy with the combination which has been such a winning combination. He would not like to discuss. He's not in Pakistan. Or maybe he is. Another maiden for Asif. A great start for him. Two back-to-back maidens. If he's still playing some league or the other. In fact, there has been a debate about whether it's happening or will be happening. Of course, beautiful delivery. Look at, and why not? First transfer fees, but they come off the pads. Let's see what the umpire says. Oh. No! That really wants to get away. A good job. Three slips, still in position. Oh! Azhar Ali coming down the track. Azhar, this is... No, you won't get away with that. Nasir. Beautiful ball, once again. Well bowled. For Asif, three for no loss. Teen slip ke saath Mohammed Asif. मौदाद अंदाज में आगाज किया एस एन जी पी एल ने और इस बात का एहसास है कि वकास अच्छा खूबसूरत पुश ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद को जाने दिया अच्छी बॉल आसिफ की अब तक अपनी लेंथ पे कंट्रोल नहीं कर सका सिर्फ अच्छा कलेक्शन था विकेट कीपर अदनान की जानब से पर सात मुकम्मल चार बगैर किसी नुकसान रेनोवेशन का काम जारी ज्यादा एतमाद के साथ नहीं खेले थे दो के रन जरूर हासिल किए यहां पर मोहम्मद हफीज ने लेकिन एतमाद के साथ खेले मूव कराने की सलाह देते तो इस दफा भी अंदर लाने की कोशिश अब मुतमिन नहीं है आसिफ के वेवर नजर आ रहे हैं आसिफ जो कि इकोनॉमिकल जरूर रहे लेकिन लाइन छोटा अपील लेकिन ये अपील खालिद महमूद सीनियर को मुतासर नहीं कर सकी कामयाब हो गए थे अगर देखें थोड़ा सा अगर देखें फ्रंट लेग और बैक लेग में जिसे कहते हैं कि क्रॉस लेग खेलना अपील लेकिन गेंद की मूवमेंट को देखते हुए अंपायर खालिद महमूद ने ये फैसला हफीज के हक में दिया और इस मतलब काफी बेहतर गेंद तब लगता है कि अपने रिदम को हासिल कर चुके हैं गुजश्ता दो गेंदों से मोहम्मद आसिफ ओवर मुकम्मल नौ के खिताम पर 16 बगैर किसी नुकसान वकास पहले ओवर में जब रन चेंज किया गया तो कामयाबी दिलाने में ऑन साइड पर खेले इस मौके पर और आसानी के साथ दो रन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे लॉन्ग चेस होगा ये वहां पर रियाज के लिए तीसरा रन लेने में इंटरेस्ट था खुर्रम का लेकिन मना किया